हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज इस वीडियो में जो नॉलेज हम शेयर करने वाले हैं वो सभी कर्मचारियों के लिए, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, हुए बड़े बदलाव के बारे में। एक नियम जो बदल दिया गया है जिसमें ढील दी गई है अथॉरिटीज़ के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपको क्या फायदा मिल सकता है, वो आप जरूर जान लें इस वीडियो में, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एनपीएस, जैसा कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूंगा, कुछ लोग नहीं जानते हो तो। नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, एक तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो आपको फैसिलिटी देता है एक बड़े बचत की लंबे समय में, और आपको बहुत लाभ इसमें मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड रहता है। गवर्नमेंट आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करती है और लंबे समय के बाद जब आप सर्विस कंप्लीट हो जाती है या एक निश्चित समय के बाद आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है और काफ़ी पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। तो भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को इसको लॉन्च किया था और 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग हुई है, जो भी सरकारी कर्मचारी नौकरियों में लगे हैं, उनको एनपीएस अनिवार्य है। ये आप जानते होंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। और 2009 के बाद से इस योजना को जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज़ के, उनके लिए भी इसको खोल दिया गया था। तो प्राइवेट कंपनीज़ में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, अक्सर वो ये चीज़ ऐड करते ही हैं उनके प्लान में। तो इसमें 18 से 60 साल का कोई भी कर्मचारी अब अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, बस प्राइवेट के लिए मर्जी से खोल सकता है वो अपना, उसकी इच्छा पर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो ये अनिवार्य है जिनका रिक्रूटमेंट 2004 के बाद हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें अकाउंट खोलने के साधन हैं, आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि POP बनाए गए हैं जहाँ पर ये खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं खाता, या देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक जो भी हैं वहाँ पर एनपीएस के अंतर्गत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। तो आपका कोई भी बैंक हो, आप वहाँ जाकर पता करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिलेंगी। मैंने इसके बारे में एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था कि एनपीएस कैसे काम करता है, क्या होता है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जरूर दे दूंगा आपको, तो आप वो देख लें ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका पता चल जाए। तो इसके अंतर्गत ATC के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट भी मिलती है, तो ये सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आपको हर साल टैक्स भरना होता है और टैक्स साधन के रूप में भी आप इसको अपनाते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं। अब इसमें जो मेन बात है, जो नया बदलाव हुआ है, जो अभी तक एक फ़ायदा नहीं ले पाते थे कई लोग, अब उसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो ये है कि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका, जैसा कि जानते हैं कि एनपीएस में कुछ पैसा आपकी तरफ से दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी ये जानते होंगे और प्राइवेट वाले भी, कि कुछ पैसा आप देते हैं, कुछ कंपनी आप अपनी तरफ से मिलाती है और वो आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है। तो इस तरह से आपका एनपीएस का जो है नेशनल पेंशन स्कीम का फंड बनता जाता है। अब इसमें क्या होता था कि अभी तक 10 साल तक आपको ये सुविधा नहीं थी, अगर आप जब तक 10 साल पूरे नहीं कर लेते हैं इस स्कीम में तब तक आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा नहीं थी, यानी कि आप अपना पैसा बिल्कुल भी यहाँ पर निकाल नहीं सकते थे। कुछ केसेस की बात अलग थी लेकिन नहीं निकाल सकते थे, ऐसा नियम था, और वही नियम अब एक बदल दिया गया है, इसमें ढील दी गई है सरकार के द्वारा। अब आप 3 साल बाद अपना जो पैसा है, 3 साल अगर आपको इस स्कीम में पैसा जमा करते में हो गए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो 3 साल के बाद आप इसमें से अपना 25% रकम जो आपने जमा की है उसका 25% हिस्सा निकाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 साल के बाद जो पैसा निकालने का पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है वो कई लोगों को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि हमको अक्सर ऐसे समय पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है छोटी अवधि में, तो ये आपको मदद करेगा काफ़ी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ विशेष कंडीशनों में ही आप इसको निकाल पाएंगे, हालांकि ये कंडीशन होंगी तभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं कोई रिहायशी, या फिर गंभीर बीमारी है उसके इलाज के लिए आप पैसा निकालना चाहते हैं, या फिर उच्च शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकालना चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए अगर पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये कुछ कारण ऐसे दिए गए हैं जिसमें 3 साल अगर आपने योगदान दे दिया है इस योजना में एनपीएस में, तो आप 25% तक की राशि जो भी आपने की है इन्वेस्ट उसको निकाल सकते हैं अपने खाते से। तो जनरली इन्हीं कारणों से हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं,
तो इन सभी कारणों को ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है, तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, आपको बहुत लाभ इससे मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये। तो ये आप जो कुछ पॉइंट हैं इनको याद रखें, इनके अंतर्गत आप पैसा निकाल सकते हैं, और बाकी डिटेल्स आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं कौन सी बीमारी या क्या मकान को लेकर क्या क्राइटेरिया है, वो आपको अपने जहाँ पर आपका NPS अकाउंट है, कंपनी है या बैंक है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में वो आपको बता देंगे। लेकिन मेन बात यही है कि आपको 3 साल बाद पैसा निकालने की पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अब मिल गया है, 25% राशि आप निकाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है, सभी के लिए फायदेमंद होगा आई एम श्योर। तो आप इस जानकारी को जरूर लाइक करें और औरों तक भी जरूर शेयर करें, इसका लाभ लें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को, घंटी के आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।